नमस्कार दोस्तों। दोस्तों झाड़ू का यह सही प्रयोग करती है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। दोस्तों झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। घर में किस समय झाड़ू लगाए और घर में सबसे पहले किस कक्ष में झाड़ू लगाए, झाड़ू कब लगाए, नई झाड़ू कब खरीदे, पुरानी कब हटाए, झाड़ू खड़ी रखे या लेटी, मेहमान घर आए तो झाड़ू लगा सकते हैं क्या, क्या किस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों झाड़ू लगाते समय मौन रहे, यानी कि कुछ भी बोलते बातचीत करते झाड़ू ना लगाए। दूसरी बात, झाड़ू को पैर ना लगाए। अगर गलती से पैर लग जाए तो लक्ष्मी माता से माफी मांग लेनी चाहिए। मतलब बातचीत करते समय झाड़ू लगाते से ध्यान इधर उधर भटक सकता है, कहीं कोई जरूरी चीज या कोई जरूरी कागज इस तरह झाड़ू लगाते समय बाहर न निकाल दे। और झाड़ू को छोटे छोटे कीड़े छुपे हो तो पैर लगकर वो हम पर न चढ़ जाए। दोस्तों झाड़ू को सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगानी चाहिए। सूर्यास्त से पहले न कर पाए तो सूर्यास्त से 25-30 मिनट पहले झाड़ू को लगा लेनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि घर में दीप जलाने से पहले ही घर में झाड़ू लगानी चाहिए। सुबह की पूजा से पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए और शाम को भी संध्या बीत जाने से पहले ही झाड़ू को लगा लेनी चाहिए। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाए। अगर किसी कारणवश घर में सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की आवश्यकता पड़े तो उस मिट्टी को घर से बाहर नहीं करना चाहिए। इससे घर की माँ लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। मिट्टी को अगले दिन घर से बाहर करें। दोस्तों घर में दीप जलाने के बाद, घर के मंदिर में पूजा आराधना करने के बाद, खाना खाने के बाद घर के सदस्य काम के लिए बाहर गए हो तो उसके बाद भी ठीक झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उनके कार्य असफल होने की संभावना हो सकती है, इसलिए उनके घर जाने के बाद 1-2 घंटे बाद ही झाड़ू लगाया अगर अनिवार्य हो तो। इसी तरह आए मेहमान के जाने के बाद भी तुरंत झाड़ू ना लगाए। दोस्तों घर में मेहमान आए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर में किसी के चीखने के तुरंत बाद भी झाड़ू को नहीं लगानी चाहिए। घर में कोई रो रहा हो या कोई क्रोधावश चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो तो भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को किस कोने से शुरू करनी चाहिए? दोस्तों सबसे पहले हमें उत्तर पूर्व ईशान कोण से झाड़ू को शुरू करनी चाहिए, फिर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिशा में, फिर उसके बाद पश्चिम उत्तर कोण की ओर झाड़ू लगानी चाहिए। दोस्तों मंदिर कक्ष में झाड़ू नहीं लगाते, सिर्फ एक साफ कपड़े से ही साफ करें। झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा कर रखना चाहिए। ये झाड़ू को रखने का सर्वोत्तम स्थान माना गया है। घर की छत पर तो बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़े नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को लिटा कर रखनी चाहिए। झाड़ू को अगर नमी लग जाती है तो उसे गीला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे धूप में सुखाने के बाद छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी 1 या 2 नहीं खरीदनी चाहिए। 3 झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। नई झाड़ू का प्रयोग शनिवार से करना शुभ होता है। झाड़ू को शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि कृष्ण पक्ष में खरीदना ही सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर प्रयोग में ना आ रही हो, कोई झाड़ू बेकार पड़ी हो तो उसे हटा देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू को भी शनिवार के दिन ही घर से बाहर करें। टूटी फूटी झाड़ू को घर में नहीं रखें, इन्हें हटा दे। कभी भी जलाना नहीं चाहिए झाड़ू को। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और नया घर किराए पर लेते हैं या नए घर में प्रवेश करते हैं तो पुराने झाड़ू को पुराने घर में छोड़कर ना आए। दोस्तों जिस झाड़ू को हम माँ लक्ष्मी मानकर इतना आदर सत्कार के साथ प्रयोग किया, जिसे आप घर की लक्ष्मी की तरह छुपा कर रखा, उस लक्ष्मी को पुराने घर में ही ना छोड़े। ऐसा करने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में परेशानियां आने की संभावना बढ़ जाती है। गौ माता को, किसी भी जानवर को झाड़ू से कभी भी मारना नहीं चाहिए। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।